जनपद कासगंज की ढोलना पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भांडाफोड़ किया है जो भोले भाले लोगों का खाता खुलवाते थे और अपना नंबर डालते थे, जिसमें वे एक एटीएम भी अपने पास रखते थे और रुपया निकाल लेते थे। इन्होंने 4 लाख के करीब लोगों के खातों से ट्रांजेक्शन किया और ये फर्जी आईडी पर सिम कार्ड खरीद लेते थे। पुलिस ने इस गैंग के फर्जी आईडी पर सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले दुकानदार समेत 7 शातिरों को गिरफ्तार किया, जिनमें 6 सिम कार्ड फर्जी आईडी पर, 6 एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल बरामद किए गए। इनमें 3 शातिर पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और 4 शातिर थाना ढोलना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस गैंग का भांडाफोड़ करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि इन छात्रों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। ये दिनांक 3 अप्रैल 2021 को ग्राम तैयबपुर के श्री बालकिशन द्वारा ये FIR दर्ज कराई गई कि उनके ही गांव के कुछ लोगों ने उनके नाम से फर्जी अकाउंट खुलवाकर और जो अकाउंट में जो सिम डाला जाता है, मोबाइल नंबर डाला जाता है, वो मोबाइल नंबर डालकर उनका अकाउंट खुलवा दिया है और साथ में ही उनका ATM कार्ड भी जो है ले लिया है और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इस शिकायत के आधार पर थाना ढोलना की पुलिस के द्वारा जो है पूरी जांच की गई और पाया गया कि ये प्रकरण पूरा सत्य है और इस प्रकरण के संबंध में इनके द्वारा 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ पर यह पाया गया कि ये पूरा एक गैंग ऑपरेट कर रहा था, जिसमें ये लोग भोले भाले ग्रामवासियों के अकाउंट खोलकर बैंकों, विभिन्न बैंकों में अकाउंट खोलकर उस अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर फीड कराकर उनका अकाउंट नंबर खोलते थे और उनका ATM खुद ले लेते थे। उस फ़ोन नंबर ये फर्जी देते थे, उस नंबर पर ही जो भी ट्रांजैक्शन होता था उसका पासवर्ड आता था, ये स्वयं उसको ऑपरेट करते थे। इस प्रकार से लगभग 4 लाख रुपए के आसपास का ट्रांजैक्शन का मामला प्रकाश में आया, डिफरेंट जगहों से, कई जगहों से धोखाधड़ी के मामले में, और उसके आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 जो है पश्चिमी बंगाल के लोग हैं और बाकी लोग यहीं ढोलना क्षेत्र के ही हैं, जिसमें मेन जो है आकाश है और एक सुमित नाम का व्यक्ति है। साथ में ही हम लोगों द्वारा जिन लोगों ने फर्जी सिम इन लोगों को बेची उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है और उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। सर, ये बड़ा खुलासा है पुलिस टीम के लिए, कुछ नाम वगैरह पूछताछ जी? हाँ, इसका जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जैसा ही निर्देश देंगे, जिस प्रकार का आदेश करेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।